हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आए। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। डॉक्टर राजीव सिन्हा गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक रात जब वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो गई और आंधी तूफान भी चलने लगी। किसी तरह से वो बच बचा कर घर आ पहुँचे। वो बारिश में थोड़े भीग चुके थे तो अंदर आकर कपड़े बदलने के लिए चले गए। उनको आए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही हुआ था, उनका दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। इतने में वो कपड़े बदल कर आए और दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर एक 20 से 22 साल की लड़की खड़ी थी और बारिश में पूरी भीगी हुई थी और रोए जा रही थी। राजीव जी को थोड़ा अचंभा हुआ, इतनी रात ऊपर से बारिश और ये लड़की रो क्यों रही है? राजीव ने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने बताया, साहब मेरा गांव यही पास में है और मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। तब राजीव ने कहा, अब तो इतनी रात हो चुकी है और इतना बारिश हो रहा है तो मैं निकल नहीं सकता। इतना सुन के वो लड़की उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोलने लगी, साहब मेरी पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बचा लीजिए। राजीव को ये देखकर थोड़ा अजब लगा, फिर उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ पर तुम मेरा पैर तो छोड़ो। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई और जाने के लिए तैयार हो गई। राजीव ने अपने साथ अपना बैग लिया और घर को बंद करके उसके साथ निकल पड़ा। उसने अपनी गाड़ी ली और उस लड़की को दूसरी साइड बैठने का इशारा किया। वो लड़की आकर दूसरे साइड बैठ गई। उस लड़की का घर शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव में था। लड़की गांव में घुसने से पहले ही एक अलग घर की तरफ इशारा करने लगी और गाड़ी रोकने के लिए बोली। राजीव ने वहीं पर गाड़ी रोक दी और वो लड़की उतरकर राजीव की बैग लेकर उसके घर पर तक दौड़ गई और राजीव ने वहीं गाड़ी खड़ी करके उसके पीछे पीछे आया। राजीव जब उस घर में गया तो देखा वहाँ एक खाट पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थी। राजीव ने उस बुज़ुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो उन्हें बर्फ़ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति की प्राण कब से उड़ गए हो। लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो राजीव को समझ में नहीं आ रहा था और उसकी बीमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला और उसके बाद पर्चा उन औरतों को दे दी। फिर वो लड़की राजीव की बैग लेकर गाड़ी में रख आई। उसके बाद राजीव अपने घर के लिए वापस आ गया। दूसरे दिन जब राजीव अस्पताल जाने के लिए सोचा तो सोचा कि पहले उस मरीज को देख लूं जिसका इलाज मैंने कल रात को किया था। जब राजीव वहां पर पहुंचा तो देखा वहां कोई घर नहीं था। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी गांव में रहने वाले कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी। उन्हें राजीव ने पूछा, जो कल यहाँ पर परिवार था वो लोग कहाँ गए? तब वो औरतें
राजीव को एक टक देखने लगी। उनमें से ही एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी है साहब, आप बच गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज किया, नहीं तो आज आप जीवित ना होते। राजीव ने पूछा, क्यों? औरतें ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था, जिसके ऊपर घर गिरने से सबकी सब दबकर मर गए। वो कभी कभी किसी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वो लड़की किसी को बुलाकर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है, तो वो उसको अपने साथ अपने दुनिया में ले जाती है, और अगर कोई उसकी मदद कर देता है तो वो उसे छोड़ देती है, और यहाँ पर खंडर के अलावा कुछ नहीं है। ये सारी बातें सुनकर राजीव के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कुछ दिनों बाद राजीव की ट्रांसफ़र लखनऊ हो गई और वो इस वाक्य को भूल गया, पर वो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना कभी नहीं भूला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप अगर किसी को हेल्प करते हो तो उससे पहले एक बार ज़रूर सोचना, शायद आपका भी किसी ऐसी शक्ति के साथ सामना ना हो। वेट फॉर माई न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।